स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ दिलदार हुसैन। मेरा दोस्त, अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, माय नेम इज जहीरुद्दीन। इनका भी चैनल है यूट्यूब में, तो सोचा अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। मेरा चैनल का नाम है जाहिर एमएससी ब्लॉग। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनका चैनल का नाम है जाहिर एमएससी ब्लॉग। आप लोग जाइए यूट्यूब में सर्च करिए और इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इनका भी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होता है। तो दोस्तों, हम दोनों बाहर निकल के आए हैं घूमने के लिए। अभी फिलहाल कोई काम नहीं था तो मैं बैठा था यूं ही, तो मेरा दोस्त आया गाड़ी लेके, तो बोला चलो घूम के आते हैं। एक दो अच्छा अगर सीन मिलते हैं या फिर कोई अच्छी जगह मिलती है तो दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहिए वीडियो के एंड तक। बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए। और बने रहिए वीडियो के एंड तक, देखते रहिए। मेरा जो फेवरेट वॉइस है उसका मजा लीजिए। मेरा जो फेवरेट वॉइस है उसका मजा लीजिए। ओके दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम लोग जा रहे हैं अभी हाथीपार। एक बड़ा ही मतलब शानदार जगह है, हमारे गांव से 8 या 9 किलोमीटर दूर जगह में है। वीडियो काफी मजेदार और धांसू होने वाला है दोस्तों, बने रहिए। पूरा पहाड़ी के ऊपर उतरते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं हाथी पहाड़। हाथी पहाड़ आ गया अभी। हम लोग पूरा का पूरा ऊपर है, ये पहाड़ के ऊपर है। नीचे रास्ता है झरने पे जाने के लिए, चलिए वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे हमारा गाड़ी रुका है वहाँ पे। तो दोस्तों, हम लोग हाथी पहाड़ में आ चुके हैं। तो ये एकदम पहाड़ी के ऊपर है और पूरा घना जंगल से भरा हुआ है। चारों तरफ घना जंगल है, उसके बीच में ये काट के बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को इसका एक व्यू दिखाते हैं। दोस्तों, अगर अब तक अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के रखना ताकि मेरा पहला वीडियो आप तक पहुँचे और आप देख पाए। चलिए आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखाते हैं झरने का। यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। दोस्तों, ये सीढ़ियाँ दिया हुआ है, घना जंगल है, यहाँ पे झरना है। तो मेरी गए थी। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कीप क्लीन थैंक्स, मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं उन लोगों को बोला गया है कि ताकि इस जगह को साफ सुथरा रखें। जो पिकनिक प्लेस में मतलब लोग आते हैं यहाँ पे खाना वाना बना के यहाँ पे खाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सुनहरा और सुंदर और मतलब बेहतर और शानदार जगह है। आप लोग अपने फैमिली के साथ आइए यहाँ पे घूमने के लिए। यह एकदम बढ़िया दो पहाड़ों के बीच हाथीपार ये जगह है। दो तीन जगहों से झरना बह के यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों, देखिए आप लोग, तो दोस्तों ये पानी बह के आ रहा है, वहाँ पे देखिए झरना है, पास चलेंगे। दोस्तों देखिए कितना शानदार नज़ारा है, पहाड़ से मतलब पानी बह के नीचे आ रहा है और बह के आप इस तरह से नीचे जा रहा है। हेलो गाइस,
मेरे गांव के पास ही। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? बोल बोल। मेरे गांव के पास ही मतलब इतना शानदार पहाड़ों के बीच जगह है, मुझे पता नहीं था, तो मैं आज देखने के लिए आया हूँ। मतलब बहुत ही शानदार और काफी मजेदार जगह है, तो दोस्तों इसका मजा लीजिए। पानी पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है अभी। ये देखिए नजारा कितना सुंदर है। वीडियो चल रहा है भाई इधर। तो दोस्तों अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो मुझे पता नहीं था हमारे गांव के पास ही मतलब दो पहाड़ियों के बीच एक इतना अच्छा और मज़ेदार और शानदार झरना है। इसका जो नामकरण किया गया है उसको आर्लोंगकुंडू इको टूरिज्म पार्क नाम दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि यह पिकनिक प्लेस है, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, लोग आके मतलब यहाँ पे एंजॉय करके जाते हैं। अभी अभी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ यंगस्टर यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। चलिए लोगों के साथ दो तीन चार बात करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मतलब। तो दोस्तों वो जगह है, वहाँ पे खाना वाना बनाते हैं लोग। तो चलिए वो भाई लोग आए हैं, बात करते हैं उनसे, थोड़ा बात करते हैं, आप लोगों से मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए भाई पका रहा है। क्या पका रहे हो भाई? चावल। ये भाई चावल पका रहा है। तो भाई पूरा बैठ के अपना सब्जी काट रहा है, पानी बोतल भी साथ में लाए हैं। दोस्तों देखिए ये सारा सब्जी साथ में लाया है, स्टिंग भी लाया है साथ में, पूरा मजे करेंगे। यहाँ पे ब्रॉयलर काट के रख दिया है दोस्तों, और यहाँ पे भाई लोग चूल्हे पे मतलब आग लगा के चावल पका रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? कौशिक रॉय। रोज आते हो क्या? नहीं नहीं कभी कभी आते हैं। तो बताओ बताओ कुछ इस जगह के बारे में। इस जगह का नाम मुझे थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, बताओ कुछ नहीं। हाय बोल दो सभी। हाय कोई दिया? हाय हेलो एवरीवन। हाँ ये भाई लोग तो दादा के साथ बात करते हैं। चलिए तो बताइए इस जगह के बारे में कुछ आप। हम तो इधर के लोकल है। हाँ बताइए। घूमने आ गए। क्या लेके आए साथ में? मुर्गा है। हाँ क्या ब्रॉयलर? ब्रॉयलर। अच्छा काट लिया क्या? अभी हो गया था। अच्छा ठीक है दोस्तों। तो अभी भाई लोगों से थोड़ा बात कर लिए, इन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना दोस्तों। भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग ऐसे हमें सपोर्ट करेंगे तो नए नए जगह नए नए प्लेस में हम लोग ब्लॉग वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के सामने लाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे दूसरे ब्लॉग वीडियो में। चलिए चलते हैं।